अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त सलमान अहमद। आज का जो हमारा वीडियो है वो है लाहौर बारे में, जो पीटीआई कारकुनों और हुकूमत के दरमियान जो झड़पें हुए लाहौर में, बहुत अफसोसनाक वाकयात हुए। ये नहीं होने चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान की दुनिया में हंसा जगह ही हुई है और हुकूमत ने जो भी किया है वो भी शर्म की बात है। पीटीआई कारकुनों पर उसने 10 करोड़ की आंसू गैस इस्तेमाल की है। क्या ये मुल्क आंसू 10 करोड़ की आंसू गैस इस्तेमाल के लिए इसकी पैसे है? अगर पैसे है तो इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। बराए मेहरबानी इस काम से परहेज़ कीजिए और फौरन इलेक्शन करवा दीजिए ताकि मुल्क में अमन अमान आ जाए और जिसको आवाम मुंतखब करे उसको हुकूमत दी जाए और हुकूमत पाकिस्तान पर करे और हुकूमत मुस्तकम हो जाए। और इसके अलावा वाटर कैनन समेत 53 गाड़ियाँ हुकूमत की खराब हो चुकी है, मोटरसाइकिल को भी सजी नुकसान पहुँचा है। इससे क्या मैसेज मिलेगा दुनिया की, हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? ये तो हमारी बेशर्मी की बात है हमारे लिए। और हम सुप्रीम कोर्ट की जज से भी अपील करते हैं कि इस तरह के कामों से बिल्कुल इनको असल नोटिस होना चाहिए और उनके सियासदानों को ये देखना चाहिए कि क्या हम क्या कर रहे हैं। ये उसकी पाकिस्तान की शर्मनाक बात हुई है, तकरीबन 10 करोड़ की शिलिंग हुई है लोगों पर। अगर ये पैसे इलेक्शन पर लग जाते तो अच्छा होता। इसके लिए हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि ये काम नहीं करने चाहिए और ज़रूरी तौर इलेक्शन करवाना चाहिए। आवाम को मैंडेट चाहिए को अपनी तरफ से अपनी हुक्मरान बनाए और हुकूमत पाकिस्तान पर हुकूमत करे और मज़ीद पाकिस्तान को नवेले। खुदा हाफिज़।